आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आपके नेताओं को लेकर हो रहे खुलासे से आपकी नींद उड़ गई है। पार्टी के लिए समस्या ये है कि पार्टी केजरीवाल को बचाए या दूसरे नेताओं को। एक एक कर आपके नेता फंसते जा रहे हैं। आपके सभी नेताओं की नजर केजरीवाल पर थी, लेकिन ईडी ने आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की कि सब देखते रह गए। शराब घोटाले की जांच की वजह से केजरीवाल सरकार के कई नेता और मंत्री परेशान होने लगे हैं। केजरीवाल सरकार ने जो शराब नीति बनाई उसके नशे में आपके मंत्री और नेता इतना डूब गए कि उन्हें हल्का भी राजनीति सिद्धांतों और ईमानदारी की चिंता नहीं रही। केजरीवाल को पता होना चाहिए था कि एक न एक दिन तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। ऐसे में उन्हें घोटाला कायदे में करना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं यकीन हो गया है कि 338 करोड़ का झोल तो हुआ है। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल के सभी नेता और मंत्री धीरे धीरे शराब घोटाला और हवाला करने के जुर्म में जेल में ही न पहुंच जाए, जिसके बाद पता चले कि केजरीवाल सरकार की अगली कैबिनेट जेल में ही न हो। आपके नेता भी कह चुके हैं कि केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं तो जेल से ही सरकार और पार्टी चलेगी। आखिर ईडी ने क्या कार्रवाई की है और क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो ईडी के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। केजरीवाल बहाना बनाकर ईडी के सामने नहीं गए, लेकिन ईडी ने केजरीवाल के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के आवास समेत करीब दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला से जुड़े एक केस में ईडी ने यह कार्रवाई की है। ईडी की टीम सिविल लाइंस में मौजूद केजरीवाल के मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंची और तलाशी ली। सूत्रों के हवाले से खबर में बताया गया है कि जांच डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की ओर से पेश एक चार्जशीट से जुड़ी है। मामला अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेन देन के अलावा 7 करोड़ से अधिक की कस्टम चोरी से जुड़ा है। खबर के मुताबिक हाल ही में एक स्थानीय अदालत ने DRI की शिकायत का संज्ञान लिया, जिसके बाद ईडी ने आनंद और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं। SC ST कल्याण समेत कुछ अन्य विभागों का काम भी उनके हवाले है। पटेल नगर से विधायक आनंद को पिछले साल ही केजरीवाल सरकार में मंत्री बनाया गया था। जिस तरह से केजरीवाल के नेता फंस रहे हैं उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल सरकार के सभी मंत्री कहीं जेल न पहुंच जाएं। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के बचाव में बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन ईडी आपके एक दूसरे मंत्री के घर पहुंच गई। कट्टर ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने वाले केजरीवाल के लिए अब जवाब देना मुश्किल हो गया है। आप नेताओं पर हो रही कार्रवाई को केजरीवाल और आपके नेता BJP की बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात आपके नेता क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? क्यों आपके नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है? अगर वाकई कट्टर ईमानदार हैं, तो कोर्ट को यकीन क्यों नहीं हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।